से अरुण पाठक जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, यात्रा के साथ आए हुए सभी अधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण और उपस्थित भाइयों और बहनों, मैं जैसे ही किसान इंटर कॉलेज में आया तो मुझे सबसे पहले इस यात्रा के एग्जीबिशन प्रदर्शनी को देखने और उससे पहले इस विद्यालय के संस्थापक की मूर्ति से ठाकुर यशपाल सिंह जी की मूर्ति की स्थापना, माल्यार्पण और पुष्पांजलि करने का अवसर प्राप्त हुआ। भाइयों बहनों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 9.5 वर्ष के अंदर देश की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल के रख दी है। आज दुनिया के अंदर भारत को सम्मान मिल रहा है, देश के अंदर बड़ी बड़ी परियोजनाओं, विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाएं लागू की जा रही हैं, गरीब कल्याण योजनाओं का लाभ आजादी के 75 वर्षों में इतने भारी पैमाने पर पहली बार देशवासियों को बिना भेदभाव के मिल रहा है और भारत में हर नागरिक आज अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। यानी वैश्विक मंच पर सम्मान तो देश के अंदर सुशासन भी है, सुरक्षा भी है और समृद्धि के माध्यम से विकसित भारत के सपने को साकार करने का एक जज्बा भी है। ये मोदी गारंटी की वैन वाराणसी में इसी जन जागरण अभियान के साथ काम कर रही है। ये तो काशी वासियों का सौभाग्य है कि उन्होंने 2014 में एक ऐसी विभूति को अपना जनप्रतिनिधि बनाकर के, सांसद बनाकर के देश की संसद में भेजा, जो आज देश के प्रधानमंत्री भी हैं और वैश्विक लीडर के रूप में दुनिया का मार्गदर्शन भी कर रहे हैं, भारत के 142 करोड़ लोगों को नेतृत्व भी दे रहे हैं और साथ साथ दुनिया को मार्गदर्शन भी दे रहे हैं। और आज इस यात्रा का उद्देश्य भी है, जो लोग लाभान्वित हुए हैं उन लोगों की सफलतम कहानी, मेरी कहानी मेरी जुबानी, इस माध्यम से उसे व्यक्त करना और जो नहीं हुए हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए प्रदर्शनी एग्जीबिशन लगी हुई है। मैं भी एक एक एग्जीबिशन में गया, किसान क्रेडिट कार्ड के लिए कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया, वहां पर रजिस्टर में अंतर, आयुष्मान भारत के लिए कितने लोगों ने कराया वहां अंकित है, कितने लोगों ने वहां पर जीवन ज्योति बीमा योजना में, जीवन सुरक्षा बीमा योजना में, अटल पेंशन योजना में रजिस्ट्रेशन कराया, निराश्रित महिला पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन में, ये तमाम योजनाओं के पंडाल भी लगे हुए हैं, हाथों हाथ रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है, पीएम आवास योजना में भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है, पीएम विश्वकर्मा में भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है। ये चीजें दिखाती है कि योजनाओं का लाभ जब जनता जनार्दन को बिना भेदभाव के देने का एक संकल्प होता है तो उसके पीछे सरकार के सत्संकल्प इस रूप में सामने आते हैं। जैसे मोदी गारंटी वैन आज आपके गांव में आकर के मोदी जी की योजना को आप तक पहुंचाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ी है। प्रधानमंत्री जी का यही मानना है कि जब ये लोग लाभान्वित होंगे, खुशहाल होंगे, तो इनकी खुशहाली में देश की खुशहाली छुपी होगी, हमारी जनता जनार्दन खुशहाल होगी, हमारे नागरिक खुशहाल होंगे तो उनकी समृद्धि देश की समृद्धि का कारण बनेगा। और भारत के प्रति एक समर्पण के भाव से अगर भारत के 142 करोड़ लोग एकजुट होकर के कार्य करना प्रारंभ करेंगे, कोई कारण नहीं 2047 तक भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत न बन जाए, अवश्य बनेगा। और 2047 जब देश अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा तो शताब्दी महोत्सव का हमारा संकल्प एक पंच प्रण के साथ है, जिसका भी हम लोगों ने यहां पे शपथ लिया, आत्मनिर्भर भारत से विकसित भारत के सपने को साकार करना।
यानी विकसित भारत हम सबके संकल्प का माध्यम बनना चाहिए, प्रतिदिन का संकल्प का माध्यम बनना चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए हमें गुलामी के अंशों को पूरी तरह समाप्त करना होगा। गुलामी कहीं भी किसी भी स्तर पर गुलामी को नहीं स्वीकार करना है। दूसरा, विरासत के प्रति सम्मान का भाव भी व्यक्त करना है। एक बात चौथा, एक बार एकात्मता के लिए कार्य करना, राष्ट्रीय सुरक्षा में लगे हुए जवानों को, सेना, अर्धसेना, पुलिस बल और देश की सेवा के साथ जुड़े हुए लोगों का सम्मान देना। और पांचवा और अंतिम संकल्प है, नागरिक होने का बोध अनुभव करते हुए ईमानदारी से अपने कर्तव्यों के निर्वहन के प्रति काम करना, अपने कर्तव्यों के प्रति डट करके काम करना। जो जिस क्षेत्र में है, एक छात्र छात्र के रूप में अच्छा अध्ययन करे, अध्ययन के साथ साथ केवल शिक्षा का ही ज्ञान अर्जन, अक्सर ज्ञान ही नहीं लेना है, ज्ञानवान बनकर के इनोवेशन के लिए, रिसर्च के लिए, डेवलपमेंट के लिए नए नए शोध करके आगे बढ़े। एक शिक्षक निरंतर स्थान में प्रयास करे, उसका ड्यूटी यही है, वही उसका धर्म है। एक किसान कैसे आमदनी को कई गुना बढ़ाने और हर पेट को शुद्ध अन्न उपलब्ध कराने का कार्य कर सके, इस दिशा में किए जाने वाले प्रयास पिछले 9.5 वर्ष में आपने देखा होगा कितने लोग लाभान्वित हो गए। देश के अंदर 4 करोड़ लोगों को आवास की सुविधा का लाभ मिला, उत्तर प्रदेश में 55 लाख लोगों को इसकी सुविधा का लाभ मिल गया। देश के अंदर 10 करोड़ लोगों को शौचालय मिला, उत्तर प्रदेश में 3.25 करोड़ लोगों को शौचालय की सुविधा का लाभ मिल गया। देश के अंदर कोरोना कालखंड में 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ मिला, उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ मिला ही। और अगले 5 वर्ष के लिए फिर से मोदी गारंटी मिल गई है, अगले 5 वर्ष तक फिर से राशन की सुविधा का लाभ जनता जनार्दन को फिर प्राप्त होगा। देश के अंदर 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिला, उत्तर प्रदेश में 10 करोड़ लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो रहा है। देश के अंदर अलग अलग क्षेत्र में हर घर नल की योजना हो, चाहे वह जीवन ज्योति बीमा योजना, जीवन सुरक्षा बीमा योजना, किसान सम्मान योजना, ये सभी योजनाओं में आज तेजी के साथ बढ़ोतरी होकर के प्रत्येक नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन का कारक बन रही है। और जो छोटे हैं उनको अब इस संकल्प यात्रा के बाद मोदी जी की गारंटी की बेन आपके पास आई है कि जो लोग पा गए वे अपनी कहानी को बोले। हर यात्रा के दौरान कम से कम जहां बेन पहुंचे ऐसे भव्य स्वागत हो, जहां बेन पहुंचे कम से कम 150-200 लोग अपनी सफलतम कहानी को कहें, और जहां बेन पहुंचे जो बच गया है, पात्रता की श्रेणी में आता है, वो अपना फॉर्म भरे, उन तक भी योजना का लाभ पहुंचेगा, इस बात की गारंटी देने के लिए मोदी गारंटी में आपके पास आई है। और भाइयों बहनों, आप इसी संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए हम आपके पास आए हैं कि पहले योजनाओं का लाभ नहीं मिलता था, और मिलता भी था तो जैसे चूर्ण मिलता था, यानी वह मुंह के अंदर ही सूख जाता था, पता ही नहीं लगता था, बंदरबांट होता था, भ्रष्टाचार होता था। लेकिन मोदी जी ने गारंटी दी कि भ्रष्टाचार को समाप्त करना है, समाप्त कर दिया गया। मोदी जी ने गारंटी दी कि बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ हर गरीब को, हर वंचित को, हर दलित को, हर पीड़ित को, हर कमजोर व्यक्ति को देना, बिना भेदभाव के देना है। आज मिल रहा है, हमने 55 लाख आवास उत्तर प्रदेश में दिए, बिना भेदभाव के दिए। भैया मेरे, ये चीजें दिखाती हैं सरकार का संकल्प ठीक हो, नियत साफ हो, सत्संकल्प हो तो कोई काम कठिन नहीं। आज काशी दुनिया के अंदर चमक रही है। मैं देख रहा था कि काशी में गत वर्ष सबसे ज्यादा धार्मिक टूरिस्ट कहीं आया है दुनिया
दुनिया में, तो काशी में आया है इसकी संख्या 3.25 करोड़ की सीमा को भी पार कर चुका है। यानी ये चीजें दिखाती हैं कि काशी ये मोदी जी के संकल्पों की काशी है, उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में एक नए कलेवर के रूप में काशी विश्वनाथ धाम हो, या फिर यहाँ के घाटों की सुंदरीकरण का कार्य, मंदिरों की सुंदरीकरण के कार्य, ये सभी तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और आज उसी संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए ये मोदी गारंटी वैन आपके पास आई है। आप सब ने इसमें रुचि ली और इस संकल्प के साथ जुड़े शपथ ग्रहण भी किया, अपना रजिस्ट्रेशन भी करवाया। इसके लिए आप सबको मैं हृदय से बधाई देते हुए आपका अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए आप सब इन योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का कार्य करेंगे, इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। इसी के साथ एक बार